बेटा आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि अगर मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं और उन्होंने कुछ पैसा अगर इंट्रोड्यूस किया हुआ है, यानी कि बिजनेस में कुछ पैसा लगाया हुआ है उन्होंने, तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट जब उसको पे करते हैं तो किस तरीके से पे करेंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता है, खाली जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होता है। इसके अलावा कोई भी कैलकुलेशन नहीं है जब तक कि उसके अंदर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना की गई हो, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, अगर हमने कोई परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल ना की हो, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ना की हो, ठीक है। हमने चार एग्जांपल लिए हैं, चार एग्जांपल से हम कोशिश करेंगे कि आपको लगभग सारी चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने एक एग्जांपल ले रखा है, ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस। ए और बी ने बिजनेस कमेंस कर रखा है एज ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने बिजनेस कमेंस करा विद अ कैपिटल ऑफ ₹15 लाख एंड ₹10 लाख रेस्पेक्टिवली। ए ने लगाए हैं 15 लाख रुपए और बी ने लगाए हैं 10 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ, इन्हें अलाउ किया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि ये एज पर पार्टनरशिप डीड है, टू द पार्टनर्स एट द रेट 10% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है ईयरली इंटरेस्ट हमारा 10% का है एज पर पार्टनरशिप डीड। लिखा भी है कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली हम इसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को जब हमारा ईयर एंड होगा तो हमें इनको क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ है, इन्होंने स्टार्टिंग में 15 लाख रुपए लगाए और 10 लाख रुपए और पूरे साल ना ही कोई विड्रॉवल है और ना ही कोई इन्होंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे 15 लाख रुपए, ए ने 15 लाख रुपए लगाए हैं, ए का हम करेंगे 15 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और पूरे साल का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 1.5 लाख रुपए, और बी का 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए। ये सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक दूसरा, हमने चार जो क्वेश्चन उठाए हैं सबके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया हुआ है और सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये तो बहुत ईजी था, ये भी ईजी है और आगे की दो भी बहुत ईजी है, लेकिन समझना बेटा सारे के सारे। एग्जाम्पल टू हमने लिया है, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा एज ऑन 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई, बेटा एक चीज़ याद रखना, इन्होंने जुलाई में बिजनेस स्टार्ट करा है। इतनी बात समझ में आ गई, जुलाई का मतलब पूरे साल हमारा बिजनेस नहीं इस साल कंटिन्यू हुआ होगा, ठीक है। सिर्फ जुलाई से लेके 31 मार्च, 1 जुलाई 2019 से लेके अगले साल की 31 मार्च 2020 तक जितने मंथ्स होंगे खाली उतने महीने का ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। देखिए ए और बी ने 1 जुलाई 2019 को बिजनेस स्टार्ट करा है विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एंड ₹8 लाख रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स एट द रेट 10% पर एनम। पर एनम का मतलब एक साल का इंटरेस्ट हम देंगे 10% का, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पूरे साल भर अगर इतना पैसा इन्वेस्टेड नहीं होगा तो हम इतना इंटरेस्ट नहीं देंगे, प्रोपोर्शनेटली उसको हम कम कर देंगे। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 2020। हमने क्या करा, ए की कैपिटल कितनी है 10 लाख, ए की कैपिटल 10 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और जुलाई 1 है तो पूरा का पूरा जुलाई हमारा पैसा इन्वेस्ट रहा बिजनेस के अंदर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, पूरे 9 मंथ्स हो गए तो 9 महीन्स का हमने इंटरेस्ट निकाल दिया 75,000। ठीक उसी तरीके से बी का 8 लाख रुपए थे, 10% 9 मंथ्स के लिए कितना आ जाएगा 60,000। आई होप कि आपको दोनों ही एग्जाम्पल समझ में आ गएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस एज ऑन 1 अप्रैल 2019। साल के शुरुआत में ही बिजनेस स्टार्ट करा है इन्होंने। इनकी कैपिटल कितनी है विद अ कैपिटल 20 लाख एंड 10 लाख रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ए और बी ने बिजनेस शुरू करा, ए ने कितने रुपए लगाए हैं 20 लाख रुपए, बी ने कितने लगाए हैं 10 लाख रुपए। ए मेड ड्राइंग्स, ए ने ड्राइंग्स करी है अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल के अगेंस्ट में, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे समझना। उन्होंने कैपिटल के अगेंस्ट में, यानी कि जो उसने पैसा लगाया था ए ने, उसमें से ही उसने कुछ पैसा निकाल लिया ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख रुपए उसने निकाल लिए। ए ने बिजनेस में 20 लाख लगाए थे उसमें से उसने 5 लाख रुपए निकाल लिए एज ऑन 30 सितंबर 2019। 30 सितंबर का मतलब क्या हुआ,
एक अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक हमारे 6 मंथ्स होते हैं। 6 महीने के बाद उसने अपने इन्वेस्टमेंट में से 20 लाख के इन्वेस्टमेंट में से 5 लाख रुपए निकाल लिए। अच्छा, अगर 5 लाख रुपए निकाल लिए तो बाकी के रिमेनिंग पीरियड में, यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने तक कितना पैसा ए का बचेगा? सिर्फ 15 लाख बचेगा, ठीक है। वेयर एज ये कह रहा है कि वहीं पर बी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। अच्छा, ये कह रहा है कि बी ने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे, ठीक है, और इसने क्या करा, 6 महीने के बाद 5 लाख रुपए और एडिशनल कैपिटल इसने लगा दी 5 लाख रुपए की, ठीक है, ऑन द सेम डेट। सेम डे का मतलब 30 सितंबर 2019 की हम बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स एट द रेट 10% पर एनम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ IOC एट द ईयर एंड 31 मार्च 2020। देखते यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले ए को हम कैलकुलेट करेंगे। ए का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए का हम कैलकुलेट करेंगे, ए ने 20 लाख रुपए स्टार्टिंग में बिजनेस में लगाया था, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सिर्फ 6 महीने तक का कैलकुलेट करेंगे, अप टू 30 सितंबर। 6 मंथ्स का कितना निकल के आ जाएगा? 1 लाख, ठीक है बेटा। 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक का ये हमने सिर्फ 6 मंथ्स का कैलकुलेट करा है, ठीक है। उसके बाद तो क्या हुआ, ए ने 20 लाख में से 5 लाख रुपए निकाल लिए। जब 5 लाख रुपए निकाल लिए तो बचे कितने? बचे सिर्फ 15 लाख रुपए। तो 15 लाख पे बाकी के रिमेनिंग पीरियड के लिए 10% का 6 महीने के लिए, कौन से 6 महीने? 1 अक्टूबर 2019 से लेके 31 मार्च 2020 का कितना निकल के आ जाएगा? 75,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए 1,75,000 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है बेटा। चलिए अब इसी तरीके से हम बी का देखते हैं, बी ने क्या करा, कैसे करा है। बी का कैसे निकल के आ जाएगा? बी ने स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करे हुए थे, ठीक है जी, 10 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है, और 6 महीने के लिए सिर्फ। क्यों? क्योंकि 6 महीने के बाद वेयर एज, देखो यहाँ पे लिखा है, वेयर एज बी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ऑन द सेम डे, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 30 सितंबर 2019 को। तो हमने क्या करा, 6 महीने तक तो खाली 10 लाख का हमने निकाला है, ठीक है ना, 10 लाख पे 10% 6 महीने के लिए आ जाएगा 50,000, 1 अप्रैल 2019 से लेके 30 सितंबर 2019 तक का, ठीक है। इसके बाद 10 लाख के साथ 5 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए, यानी टोटल कितना आ जाएगा? 15 लाख। अब हम 15 लाख पे 10% का 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे, 75, और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी कितना आ जाएगा? 1,25,000, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक और एग्जांपल पकड़ते हैं, ठीक है, ये हमारा लास्ट एग्जांपल है आज का, ठीक है, समझते हैं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी तक 3 क्वेश्चन जो आपने करे थे उन सबसे थोड़ा अलग क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस एज ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, विद अ कैपिटल विद ₹12 लाख एंड 8 लाख रेस्पेक्टिवली, यानी कि ए ने 12 लाख रुपए लगाए हैं और बी ने 8 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, हमें दोनों की कैपिटल पता है रेस्पेक्टिवली। ए मेड ड्राइंग्स, ए ने क्या करा, ड्राइंग करी है अगेंस्ट कैपिटल, यानी कि जो इसने पैसा लगाया है उसमें से निकाल लिए कितने? 2 लाख रुपए एज ऑन 30 जून 2019, यानी कि अप्रैल में जो बिजनेस स्टार्ट करा था 12 लाख के साथ, तो पूरा अप्रैल, पूरा मई और पूरा जून, 3 महीने तक तो हमारे कितने रुपए रहे? ए के 12 लाख रुपए लगे रहे, उसके बाद उसने 3 लाख रुपए निकाल लिए, 3 लाख निकाल लेगा, सॉरी 2 लाख रुपए निकाल लिए, तो बचेगा कितना? सिर्फ 10 लाख रुपए। 12 में से 3 महीने निकल गए, बाकी के 9 मंथ्स के लिए हम कितने अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे? 10 लाख के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। अब आगे पढ़ते हैं, एंड बी मेड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझना, अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जब हम IOC कैलकुलेट करते हैं और किसी पर्सन ने ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करा हो
तो इससे हमारे कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल हमारी इंटैक्ट रहेगी। बात समझ है बेटा? अगर इसने अपने कैपिटल से पैसा निकाला होता तो हम उसको रिड्यूस करेंगे, इसको हम कहीं से भी रिड्यूस नहीं करेंगे। ये चीज़ हमने अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ी थी कि अगर मान लीजिए ड्राइंग्स दो तरीके की होती है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल जो होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ पे कंसिडर किया जाएगा? जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, वहाँ पर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कंसिडर नहीं किया जाता है, वहाँ पे ये चीज़ कंसिडर की जाती है, ठीक है बेटा। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, बी मेड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ ₹3,00,000। तो हमें तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसने प्रॉफिट के अगेंस्ट में ये ड्राइंग करी है एज ऑन 1st October। हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसे हम पूरा का पूरा इग्नोर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 10% पर एनम, कैलकुलेट IOC एट द ईयर एंड 31 मार्च 2020। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने सबसे पहले ए को पकड़ा, ₹12,00,000 थे, 10% का इंटरेस्ट थ्री मंथ्स अप टू जून तक का हमने ये कैलकुलेट कर दिया, कितना आ जाएगा 30,000। फिर 12 में से ड्राइंग्स हो गई, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो गई कितने की, ₹2,00,000 की, तो कितना आ जाएगा ₹10,00,000। 10,00,000 का 10% 9 मंथ्स के लिए कितना आ जाएगा 75,000, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा IOC, टोटल IOC ऑफ ए आ जाएगा ₹1,05,000, ठीक है बेटा। बी का कैलकुलेट करेंगे, बी ने कितने रुपए इंट्रोड्यूस करे थे, ₹8,00,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। क्या कोई ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है? नहीं, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, उसको हम इग्नोर कर देंगे। इस पे सीधे हम 10% का निकाल देंगे ₹80,000, टोटल IOC ऑफ बी कितना आ जाएगा 80,000, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।